पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी सड़कों पर हैं और लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं कर्मचारी भी पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर जिद पर अड़े हैं। वहीं कर्मचारियों के क्रमिक अनशन को 57 दिन बीत चुके हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ राज्य प्रमुख प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हिमाचल दौरे से उन्हें बहुत उम्मीद थी, लेकिन पुरानी पेंशन का जिक्र तक प्रधानमंत्री ने नहीं किया। वहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार कोई घोषणा कर्मचारियों के लिए करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष भी है और प्रदेश के कर्मचारी इन चुनावों में सरकार को इसका जवाब जरूर देंगे। हमारी मांग तो सिर्फ एक ही मांग है, एनपीएससी एक ही मांग करता है, ओल्ड पेंशन की। वो आज से नहीं, लगभग पिछले 8 वर्षों से निरंतर करते आ रहा है और आज यहाँ पर भी अनशन पर बैठे हमें पूरे 57 दिन हो गए। 57 दिन में किसी ने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी या कोई ये कहें आप नेता, किसी ने भी यहाँ के सुख नहीं लिया पूरे 57 दिन में कि हमारा कर्मचारी क्यों यहाँ बैठा है, क्या पीड़ा है हमारे कर्मचारी। शिमला में ही नहीं, ये धर्मशाला में भी बैठा है, हमीरपुर में बैठा है और मंडी में भी बैठा है। हमारी लड़ाई निरंतर सिर्फ एक ही है, वो है पुरानी पेंशन की। सभी जानते हैं कि पुरानी पेंशन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि नई पेंशन नीति जो 15 मई 2003 को हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी, वो इतनी ख़राब नीति आज साबित हो रही है कि कर्मचारियों को आज बाहर निकलना पड़ रहा है। क्योंकि पुरानी पेंशन बहुत अच्छी नीति होती थी, जीपीएफ होता था, बहुत सारी इसमें सुविधाएँ थी, आज सारी वो सुविधाएँ समाप्त करके नई नीति ये लागू कर दी कि 500 से लेकर 1500 या 1700 पेंशन हमारे कर्मचारियों को मिल रही है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि बुढ़ापे में पेंशन का अधिक होना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारी भी पैदा होती है और सारा मान सम्मान सब कुछ समाप्त हो चुका है इस नीति की वजह से, जो हम आज सरकार को एक बार नहीं अनेकों बार मेमोरेंडम के माध्यम से भी सरकार से हम अवगत करा चुके हैं कि पुरानी पेंशन कितनी ज़रूरी है। उसमें चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री महोदय को भी हमने ट्विटर के माध्यम से एक बार नहीं अनेकों बार जो है अवगत कराया है कि पुरानी पेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। आज कर्मचारी जो है जिसका मान सम्मान आज गिर रहा है, केवल और केवल एक एनपीएस पेंशन सिस्टम जो स्टार्ट किया है इसकी वजह से हो रहा है। हम इसी मांग को दोबारा से दोहरा रहे हैं कि पुरानी पेंशन प्रदेश के अंदर लागू कर दी जाए। प्रधानमंत्री अभी तीसरी बार फिर हिमाचल के दौरे पर आने वाले हैं, तो चंबा में परसों आने वाले हैं। हम ये सोच रहे हैं कि प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से एक वार लगा ले मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से, क्योंकि प्रदेश का कर्मचारी पिछले 5 वर्षों से निरंतर यहाँ पर जो है मांग कर रहा है ओपीएस, तो सरकार भी गुहार लगा ले ज़रा प्रधानमंत्री महोदय से। हम भी चाहते हैं कि भी हमारी ओपीएस बहाल हो जाए, तो हम सरकार का समर्थन करने के लिए बैठे हैं। सरकार हमारी है, क्योंकि बिना कर्मचारी के सरकार भी नहीं चलती है। सरकार में कर्मचारी एक अभिन्न अंग है, बिना कर्मचारी के सरकार कभी चल ही नहीं सकती। क्योंकि आज की तिथि में क्या हो रहा है कि भी कर्मचारियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसकी बातें नहीं सुनी जा रही है, उसको समझा नहीं जा रहा है सरकार के द्वारा। आज हमें 57 दिन यहाँ बैठ कर नहीं होते, हमारे भी परिवार है, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, दफ्तर हैं, हमें भी सब कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मजबूर होकर हमें यहाँ पे आना पड़ता है। क्योंकि ओपीएस बुढ़ापे की लाठी है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इस इशू के लिए हमें जो इतने बड़े पोस्टर्स लगाने पड़ रहे हैं जिस पर सीधा सीधा लिखा है एनपीएस पर चोट, ओपीएस पर चोट, और हम जो है वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को तेज़ करने वाले हैं। अगर 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओपीएस बहाल नहीं की, तो वोट फॉर ओपीएस के लिए हमें जो है बड़ी तेज़ी के साथ कार्य करना पड़ रहा है। तो एक बार फिर से हम प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से, आपके इस चैनल से ये उम्मीद रख रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाली जल्द से जल्द शीघ्र यहाँ पर लागू कर दें।